जब हम आते हैं पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में किस किस का हमें पता चला है? पाकिस्तान में से अली अली जफर एक आया था बस, हाँ, और उसके अलावा तो जफर। मैंने नहीं सुना किसी को। बट आपको ऑफ एंड ऑन इफ यू स्टे इन टच विद पीपल हु वर्क फॉर मीडिया एंड ऑल दैट, आपको पता चलता है मानी का बहुत मशहूर था, बहुत हाँ, फ्लर्ट हीरो करना, मानीचर। और ये बहुत है। फिर हमारे यहाँ भी ये जो छोटे छोटे डायरेक्टर्स होते हैं वो नई लड़कियों को इस तरह से शुरू ऐसे बहुत कैजुअली होता है कि आपको कास्ट करने के लिए बुलाया गया है, एंड देन आपको सीन्स डिस्कस करने के लिए और ड्रामा डिस्कस करने के लिए आपको कहीं लेके जा रहे हैं। हाँ, सो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। मैं जब गई थी ना वहां पे, तो एक बंदे ने मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुझसे कहते हैं कि आप ना इस जगह पे ना इतने बजे आ जाओ शाम के टाइम। मैंने कहा भाई मैं तो 9 to 5 करती हूँ काम, तो खैर मैं वहां गई। अच्छा, और ये कोई पता नहीं कौन शक्ल ना कुछ उसके पास, पता नहीं कौन था ये बंदा। तो मैं वहां गई हूँ ना, तो मैंने जैकेट पहनी हुई थी, आई ऑलवेज कवर्ड माई सेल्फ। तो पहले कहता है आप अपनी जैकेट उतार दो। मैं कहा ओके चलो, मैंने जैकेट उतार दी। बट देन ही केम एंड ही ट्राइड टू ग्रैब मी लाइक दिस, यानी कि नहीं आप ऐसे करके यूं खड़ी हो, यूं खड़ी हो। वो तो आप छोड़ो, कनाडा में यहाँ पर एक हैं बंदे, तो वो क्या करते थे, वो फोटोग्राफर थे और उनके साथ मैंने काम भी किया यार। मगर उनका ये होता था कि ओ ऐसे आगे बंदी को बताने के चक्कर में ना, कभी आगे यूं नहीं, इसको नीचे कर लो और पीछे से यूं करो, यानी आप बता रहे हो तो आप हाथ जरूर लगाना है। हाथ लगाना इनका जो है ना, तो लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं, ज्यादा बोलती नहीं। इट जस्ट हैपेंस टू ऑफ्टन। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और मतलब अभी बट दैट्स नॉट द ओनली वन। सरेआम का एक पाकिस्तानी टीवी प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे इस तरह के उन्होंने दिखाए हैं हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे वो पेशेंट्स चेक करने जाते हैं। मतलब मैंने कभी ये किसी को बात नहीं बताई, बट आई वेंट टू अ डॉक्टर वंस इन माई लाइफ। आई वॉज अ किड, आई थिंक आई वॉज 10, प्रॉबली यंगर। अच्छा। No, I was younger, absolutely younger, and I went to a doctor and he felt me उर्दू up. उर्दू उर्दू हमारे सबके मुंह से इंग्लिश मतलब यूज हो जाती है। हाँ, वो उस डॉक्टर के पास गई और उसने, वो जैसे चेकअप करते हैं आपको, जैसे ही मेरी अम्मी रूम से बाहर गई कुछ मेडिसिन का पूछने एंड ऑल, उसने मेरे सीने पे हाथ लगाया एंड आई फेल्ट ऑकवर्ड। आई मूव्ड बैक, मैं पीछे हटी हाँ एंड देन नहीं नहीं बस हो गया, चेकअप हो गया, एंड ही सेड दैट, एंड बट दैट हाउ हैपेंस। लुक एट द, मतलब कौन कौन सी जगह पे आप बचोगे। यू वर हाँ अर्लियर ऑन सेइंग कि आप अपने बच्चों को बचाओ। मालीज पाकिस्तान में 1.5 मिलियन बच्चा सड़कों पे है, ठीक है, हाँ 1.5 मिलियन बच्चा वो है जो 6 से लेके 11-12 साल तक का, ठीक है, एंड वो ड्रग्स में होते हैं, उनको डेली बेस पे किसी ना किसी तरह से ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। या तो वो ग्रुप में रहते हैं, गैंग्स बनाते हैं। कराची में, क्योंकि मैं रही हूं, तो कराची के बच्चों से मैं मिली हुई हूँ जो जो स्ट्रीट सड़कों पे कर रहे होते हैं काम। किड्स होते हैं। हाँ, आई हैव और इवन सीन देम, लाइक इट्स सो सैड। मैं जब गई थी, इट इज सो सैड टू सी देम। और यानी मुझे सबसे बुरा वो लगता था जब आप खाना खाने के लिए बैठो कहीं बाहर जाओ और वो लोग फिर वहां पर खड़े होकर देख रहे होते हैं ना, इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। मुझसे नहीं उनमें होती थी सारे बर्दाश्त। मांगने वाले नहीं होते, कुछ वो भी होते हैं जो ये कुछ चीजें बेचते हैं, कंघी बेच दी, फूल बेच हाँ दिए, कुछ इस तरह से हाँ करती है। वो सारे बच्चे कौन से होते हैं, ज्यादातर वो उनमें से घर से भागे हुए बच्चे होते हैं घर में। अब जब मैं ऐसे बच्चों से मिली तो मुझे जानना था कि क्यों नहीं घर जाते, उसी शहर में रहते हुए सड़कों पे रह रहे हैं, घर क्यों नहीं वापस जाते। तो वो जो जिस दारे ने मुझे, साहिल था आई थिंक, साहिल के वहां पे सेंटर है मुख्तलिफ कराची में, वहां पे मैं गई तो उन्होंने टीवी लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ कमरे उन बच्चों के लिए रखे हुए हैं कि वो वहां आके किताबें रखी हुई हैं, पढ़ना चाहें, टीवी देखना चाहें, मतलब एक उनके लिए सेफ प्लेस बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो उन बच्चों से आप पूछो कि घर क्यों नहीं जाते, तो वो कहते हैं कि दिल नहीं लगता वहां पे। घर में क्या होता है, एक माँ है,
आठ दस बच्चे हैं, हाँ उन बच्चों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है और वो नहीं करना चाहते। मतलब हर बच्चे का दिल चाहता है स्कूल जाए, पढ़े लिखे, या हाँ कुछ दूसरे बच्चों के साथ आप रहो, खेलो कूदो, तो वो उनको मयस्सर नहीं होता। उनको काम करना होता है, मार पड़ती है, बाप अब्यूसिव होता है, माँ से मार पड़ती है, मस्जिद जाते हैं, मौलवी से मार पड़ती है, तो वो उस सारी चीजों से निकल के भाग जाते हैं। फिर दे गेट इन टू, क्योंकि अब जितने ज्यादा बच्चे जाति का शिकार होंगे, उतने ज्यादा आपको उनके अंदर ड्रग कंजम्पशन का भी आपको एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि डिफिकल्ट हाँ फॉर देम टू कोप। कोप विद इट. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है ना, ऐसा कोई लॉ होना चाहिए कि भाई आपका बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट्स को पता है कि भाई अगर आपका बच्चा है तो वो देखते हैं कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है. यू हैव टू रिपोर्ट कि योर चाइल्ड इफ इट इज अंडर 18, सॉरी अंडर 18 कह रही हूँ मैं, जब तक यानी हाई स्कूल के लिए. वो जैसे अब जेनिया है, अगर मैं इसको घर में बैठा लूँ तो वो देखेंगे कि आप इसको घर में भी होम Where स्कूलिंग कर रहे हो कि नहीं. They will keep an I eye am on you. also, where हाँ I am also, यहाँ पे भी ये है कि आप को अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही भेजना है। अगर आप नहीं भेजेंगे तो स्कूल विल इन्फॉर्म द चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी, वो हाँ आके करेंगे। अगर आपने फिर भी नहीं किया, दे विल टेक द किड अवे किड फ्रॉम यू। अवे. हाँ वो फिर अक्सर हुआ है कि इस तरह के बच्चे जिनको या अब्यूज का शिकार होते हैं, मार पढ़ रही है घर पे या कुछ इस तरह से उनको निशान है, और वो स्कूल इस वजह से नहीं माँ बाप भेज रहे। आई नो अ पाकिस्तानी फैमिली, और उस फैमिली में उस बच्ची को उसके बाप ने इतना मारा जूतियों से कि उसके नील पड़े हुए थे जिस्म पे। और वो कितनी उम्र की, 12-13 साल की उम्र की बच्ची। यार और माँ इट्स ने सो डॉक्टर सैड. से ये फोन करके कि मेरा बच्ची को बुखार है, उसने घर में रखा बच्ची को, और मुझे बाद में बता रही है, मैंने आई कॉल्ड द स्कूल, उनको बताया, बट सैडली नो एक्शन वॉज टेकिंग, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें रिपोर्ट वो डॉक्टर से या किसी से जब तक कंफर्म नहीं होता हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। मगर दैट्स हमारे जो देसी हैं, वो मुल्क भी बदल लेते हैं तो अपनी हरकतें नहीं बदलते। हाँ, और अब इन लोगों ने, नहीं इन लोगों ने ये भी तो कर लिया है ना बाहर के मुल्कों में, कि अब इनको जरा सा भी कुछ करो तो गोरे भी इनको हाथ लगाते हुए अब डरते हैं, क्योंकि फिर वो बोल देंगे रेसिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं. इसी तरह से तो वो जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो इतने अरसे से कैसे वो ऑपरेट करते रहे. इन गोरों ने भी नहीं साथ दिया ना, पुलिस वालों ने भी साथ नहीं दिया, पॉलिटिशियंस ने भी साथ नहीं दिया. दे डिडंट सर्व दोज गर्ल्स राइट. उन बेचारियों को 15 साल तक वो ये देसी ये जो थे एक्सप्लॉइट करते रहे करते रहे करते रहे. तो सिर्फ हमें ये है कि हम रेसिस ना कहलवाएं. तो ये जो रेसिज्म का जो वर्ड है ना, दैट्स व्हाई आई डोंट अग्री विद इट. आई डोंट केयर आप किसी भी रेस के हो, आप गलत काम करो उसको बंदे को कॉल आउट करो. ये इन्होंने गोरों की जो है ना, जैसे कहते हैं ना, कहाँ है गुलजार जी, बुद्धि बुद्धि से पकड़ा हुआ है गोरों को. पर इसमें मान लीजिए एक चीज लोग भूल जाते हैं कि जिस भी इंसान के साथ कुछ भी जाति का एक लम्हा भी हो ना, जिसमें आपको किसी ने गलत छुआ हो, वो आपको चीज भूलती नहीं, वो आपके दिमाग पे एक एक धब्बे की तरह रह जाती है जो कभी सारी जिंदगी नहीं खत्म होता, मगर चाहे आप ये आपको। देखो, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मगर आप ये देखो कि मैंने जब लास्ट टाइम मेरा जैसे मेरी मर्जी पे जो वीडियो बनाया था लास्ट ईयर ना, और उसमें मैंने यही चीजें एक दो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए थे जो मेरे साथ हुआ है पाकिस्तान में, तो नीचे आपने कमेंट्स देखने थे. ये तो हुआ ही ऐसी, ये तो नहीं, ये बात, ये तो बचपन से ही अपने मुंह में लेके बैठी है, ये तो बचपन से ही चुदवा रही है, इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं ये मर्द. लाइक मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये भाई चोद आते कहाँ से हैं ये. बस तो वही तो बात है ना, लड़कियां क्यों आके बोलेंगी, फिर चुप हो नहीं, जाती हैं इसमें लड़कियां. इसमें औरतें भी आदमी भी दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई ओन नहीं करता प्रॉब्लम को। खवातीन पाकिस्तान में, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का आई थिंक 2007-8 में मुझे याद है कि एक सर्वे मैंने देखा था, उसमें था कि 19 out of 20 लड़कियों ने कहा था कि हमें जिंदगी में किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी बंदे ने छुआ गलत जरूर था, हाँ 19 out of 20। और वो आई बिलीव वो जो एक थी ना, वो भी वो शर्म के मारे उसने नहीं कहा होगा, मगर हुआ हाँ जरूर होगा उसके साथ।
हाँ अब आज एस हारिस के शो में अगर आपने सुना हो तो वो बता रहा था कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जो लड़कियां आती हैं उनमें छोटी बच्चियां जिनके साथ जाती हुई होती है या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो उनमें से 80%, आई वॉज शॉक टू हियर दैट, छोटी बच्चियां उनको हाँ उनकी फैमिली लेके आती हैं, वो 80% फैमिली मेंबर्स होते हैं। इजी एक्सेस ना, एक्सेस आसान है उनके पास, और ट्रस्ट करते हैं माँ बाप के, ट्रस्ट कर रहे हैं इन लोगों पे, मौलानाओं पे भी एक्सेस है और ट्रस्ट है।